सचार जी, नया साल आने वाला है और नए साल के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में नए कैलेंडर लगाते हैं ताकि सही तिथि और समय देखा जा सके। कैलेंडर लगाने का वास्तु तरीका क्या होता है और कौन से सावधानी से बचना चाहिए लोगों को? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अब 2024 का शुरुआत हो रहा है, लोग अपने घरों में नए नए कैलेंडर लाएंगे और कैलेंडर ला करके अपने घर में लगाएंगे। तो कैलेंडर लगाते समय कुछ सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि घर में वास्तु शास्त्र की विशेष महत्ता है। कैलेंडर लगाते समय ध्यान रखें कि कहीं गलत दिशा में तो हम कैलेंडर नहीं लगा रहे हैं। यदि आप गलत दिशा में कैलेंडर लगाते हैं तो आपको हानि हो सकती है, क्योंकि कैलेंडर जो है वह समय का सूचक है। वह आप हर समय कैलेंडर को देखेंगे, या तिथि देखना हो, नक्षत्र देखना हो, तारीख देखना हो, दिन देखना हो, हर समय आप कैलेंडर देखेंगे। तो कैलेंडर लगाते समय आप यह ध्यान रखें कि कहीं दक्षिण तरफ तो मेरा कैलेंडर नहीं लग रहा है। यदि आप घर के दक्षिण तरफ लगाते हैं तो वास्तु के हिसाब से आपको दोष लगता है, इसलिए दक्षिण दिशा में कैलेंडर न लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी न लगाएं। घर का जो आपका मुख्य दरवाजा है उस पर भी कैलेंडर न लगाना चाहिए। यदि आपके घर में पुराना कैलेंडर है, फट गया है, तो उसे आप नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि फटा पुराना कैलेंडर आप घर में न रखें। इससे आपका घर में वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकता है, इसलिए वास्तु के हिसाब से अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को घटाने के लिए कैलेंडर आप सही जगह पर लगाएं, दक्षिण दिशा में कदापि न लगाएं।